विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप यदि फॉरेंसिक साइंस में रुचि रखते हैं या इस पर आधारित टीवी शोज देखते हैं तो इस बात से वाकिफ होंगे कि कैसे एक बाल या उंगलियों के निशान या फिर खून के धब्बों से अपराधी का पता चल जाता है। वैसे ही वैज्ञानिकों के एक हालिया शोध में पाया गया है कि जानवरों के दांतों से ये पता किया जा सकता है कि वो अपने जीवन काल में कहाँ कहाँ गए और क्या क्या खाया। ये शोध हाल ही में नेचर जर्नल के साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हो चुका है। शोध के मुताबिक पशुओं के दांतों का इनेमल एक तरह से रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। इनेमल दांत को कवर करने वाला पतला बाहरी आवरण है। पशु अपने जीवन काल में कहां विचरते हैं और क्या खाते हैं, ये सब इनेमल में दर्ज हो जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक किसी भी जगह का भूगोल निर्धारित करता है कि स्थिर आइसोटोप स्ट्रॉन्टियम 87 और स्ट्रॉन्टियम 86 की कितनी मात्रा उस स्थान के पौधों में बचती है। ये पौधे पशुओं का आहार बनते हैं। चूँकि दांत नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऐसे में पुराना स्ट्रॉन्टियम दांत के क्राउन के सबसे ऊपर होता है। दांत जैसे जैसे बढ़ता है, बढ़ती हुई परतें स्थानीय खनिजों के अनुपात को ग्रहण करती हैं। ये अनुपात वही होता है जो पशु के भोजन का होता है और ये भोजन भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस तरह से दांत एक प्रकार के मैप का काम करता है। दांतों के इनेमल के स्ट्रॉन्टियम आइसोटोप के बड़े पैमाने पर विश्लेषण का इस्तेमाल शोधकर्ता दशकों से करते आए हैं, जैसे स्थानीय पशुओं और प्रवासी पशुओं के बीच अंतर पता करने में। लेकिन इस शोध में पशुओं के विचरण पर एक हाई रेजोल्यूशन टाइम सीरीज तैयार करने के लिए लेजर एबलेशन की मदद से इनेमल के विश्लेषण का एक सटीक तरीका दिया गया है। शोधकर्ता एजाजो और उनकी टीम ने अपने शोध क्षेत्र का एक आइसोस्कैप बनाया। आइसोस्कैप यानी कि ऐसा मैप जो उस क्षेत्र में स्ट्रॉन्टियम 87 से स्ट्रॉन्टियम 86 तक का वितरण दिखाता है। इसके लिए उन्होंने सुदूर पश्चिमी मंगोलिया के अल्ताई पहाड़ श्रृंखलाओं के पूर्वी किनारों के 150 से ज्यादा स्थानों के पौधों के पत्तों, तनों, बीजों और फलों में पाए गए आइसोटोप्स का विश्लेषण किया। इन आंकड़ों से पता चला कि कैसे आइसोटोप की उपलब्धता पूरे क्षेत्र में बदलती रही। इसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र के घुमंतू पशुओं के झुंड का अध्ययन किया जो हर साल 10 बार अलग अलग कैंपसाइट्स में विचरते थे। इन क्षेत्र में विचरने वाले 4 बकरियों और 4 भेड़ों के गले में जीपीएस युक्त कॉलर बांधा गया। कॉलर हर घंटे बकरियों और भेड़ों के विचरने के स्थान को दर्ज कर भेजता रहा। शोधकर्ताओं ने 29 महीनों तक इन पशुओं के मूवमेंट पर नजर रखी। अगला कदम था दोनों डेटा सेट की तुलना करना, ये देखना कि जहाँ जहाँ बकरियां और भेड़े गई हैं, वहाँ स्ट्रॉन्टियम अनुपातों की उपलब्धता क्या है। इससे उन्हें पता चला कि पशुओं के दांतों के इनेमल में स्ट्रॉन्टियम का क्या अनुपात हो सकता है। अंत में मॉडल की जांच के लिए जाजो और उनकी टीम ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ लेजर अब्लेशन का इस्तेमाल किया ताकि पशुओं के मोलर यानी चबाने वाले दांतों के अंदर आइसोटोप का अनुपात मापा जा सके। उन्होंने इन पशुओं के मरने के बाद इनके दांतों को इकट्ठा किया। उनके अध्ययन से सामने आया कि आइसोटोप का अनुपात मॉडल के अनुमान के मुताबिक था, जिससे ये पुष्टि हुई कि नई पद्धति का इस्तेमाल 45 दिनों के अंतर पर दो जगहों के बीच के विचरण का पता लगाने में किया जा सकता है। जाजो के मुताबिक इस तकनीक को और भी सटीक कर पशुओं की उत्पत्ति और विचरण की पहचान जैसे कि जटिल पुरातात्विक जांच में भी उपयोग में लाया जा सकता है।